वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपने उत्तराखंड को कल्चर दिखाने के कुछ पिछले 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं आर्टिस्ट हरी और स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आ रखे हैं आजकल एक मंथ से देहरादून में। यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का जो काम चल रहा है, जो वॉल पेंटिंग चल रही है, उसके सिलसिले में हमारी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पर वॉल आर्ट करने में। यहाँ पर आर्टिस्ट मुकुल बडोनी जी के निर्देशन में, जो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, पूरी टीम यहाँ पर वॉल आर्ट का काम कर रही है और हम यहाँ पर उत्तराखंड के कल्चर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का जो अगले मंथ होना है, उसके सिलसिले में पूरी वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है देहरादून के पूरे डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे पूरी जहाँ भी हाईवे दिख रहा है आपको, वहाँ वहाँ वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है। अलग अलग जगह से अलग अलग टीमें आ रखी है, जैसे MP से और मुंबई से, तमाम जगह से यहाँ पे टीम आ रखी है। तो उत्तराखंड की जो लोकल टीम है, वो हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लोकल 18 न्यूज़ चैनल वालों का। उत्तराखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अब देहरादून की दीवारों पर दर्शाया जा रहा है, क्योंकि देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देहरादून के मुख्य सड़कों की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही है। ये पेंटिंग्स न सिर्फ देहरादून की सड़कों पर बनाई जा रही है, बल्कि इसमें देहरादून की मशहूर इमारतों जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, DRDO, दून स्कूल आदि की दीवारों पर पहाड़ की संस्कृति और प्रकृति की खूबसूरती के रंग उतारे जा रहे हैं। शुक्रिया मैम आपका। यहाँ पे हम लोग जो अभी वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर जो समिट है उसके लिए ये वॉल पेंटिंग यहाँ पे चल रही है। तो अलग अलग जगह हैं, जो अलग अलग जगह की यहाँ पे टीम आई हुई हैं, जैसे कुछ लोग बॉम्बे से हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से जैसे लोग आ रखे हैं, तो सभी लोगों को अलग अलग साइड दे रखी हैं। तो मेरा जो थीम है वो उत्तराखंड संस्कृति पे है, जैसे मैं अभी इस पर भी पिछले 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ, और इसके बाद भी जो मेरी पूरी थीम है, तो उत्तराखंडी जो हमारे हिल स्टेशनों के जैसे गाँव हैं, जैसे माणा गाँव की बात करें, भगोरी की बात करें, तो हम इस तरीके के गाँवों को भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, ताकि बाहर से आने वाले जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ी गाँवों से रूबरू होंगे और यहाँ की संस्कृति को उनको जानने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैम, जो हम यहाँ पे वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग अलग अलग गांवों से हैं, तो जैसे मैं उत्तरकाशी से बात करूँ, तो उत्तरकाशी में भी गंगा यमुना वैली है, लेकिन क्या कल्चर हर वैली में थोड़ा चेंज होते जाता है। तो हम जैसे यहाँ पे अलग अलग वैलियों का कल्चर दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली पहाड़ों से हैं और हमने जो चीज़ें बचपन से अभी तक देखी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दीवारों पर हम सेम वैसे जीवंत करें, ताकि आने वाले लोग उस चीज़ को देखें। जैसे अभी भाई पौड़ी से हैं, चमोली जो है, तो वो चमोली का ड्रेसअप और वहाँ का पहनावा जो है वो उस तरीके का कुछ अलग दिखाएं। हम इसमें जो है कि वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपने उत्तराखंड को कल्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि सरस्वती नदी जो माणा गाँव से निकल रही है, पहाड़ क्रिएट कर रहे हैं और उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड घर को क्रिएट कर रहे हैं, और जो पहाड़ी संस्कृति के जो फूल वगैरह जो हैं उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कि अपने उत्तराखंड संस्कृति को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वो नवंबर के महीने में राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाला है। इसके लिए राजधानी देहरादून में तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून ही इस समिट की मेज़बानी करेगा। तो ऐसे में जो है राजधानी देहरादून की दीवारों को सजाया जा रहा है, और ये जो रंग जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं दीवारों पर, ये न सिर्फ रंग हैं बल्कि देहरादून और उत्तराखंड के पहाड़ी गाँवों की संस्कृति और ऐतिहासिक जो भी इमारतें हैं उनको यहाँ पर जो है दर्शाया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत है उत्तराखंड की, वो अब राजधानी देहरादून की मुख्य मार्गों की सड़कों पर नज़र आएंगी। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि जो भी राजधानी देहरादून की मशहूर इमारतें हैं, जैसे FRI, DRDO, दून पब्लिक स्कूल, इस तरह की जो इमारतें हैं जो कि मशहूर है, उनकी दीवारों पर भी यह जो कलाएं हैं जो कि संस्कृति को दर्शाने का काम कर रही हैं वो नज़र आएंगी। तो हेलो दोस्तों, फाइनली आपने इंटरव्यू देख लिया होगा, तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।